दोस्तों आपने पिछले 10 सालों में एक चीज नोटिस की होगी कि माइनर गर्ल्स के साथ और मॉब लिंचिंग्स एक तरीके से आम हो गई है। अब आप देखिए कि राजस्थान में एक सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया, जो लड़की दलित की थी। अब ये देखिए कि ये मॉब लिंचिंग्स होना, रेप होना इसलिए ये हो गया है क्योंकि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, और जो अपराधी हैं वो चाहे किसी भी शक्ल में। और आप देखिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर, जिससे एक आम आदमी ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि वो इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है, वो भी इस बात को जान गया कि मेरा कुछ नहीं होगा। और पिछले केसेस में भी ये देखा गया, चाहे वो नासिर और जुनेद की मॉब लिंचिंग करने वाले हों या कई रेप करने वाले हों, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब आप ये देखिए कि ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी है हाकिम वक्त की, एक प्राइम मिनिस्टर की, एक चीफ मिनिस्टर की, कि वो अपने डिपार्टमेंट्स को कैसा तैयार करें, कैसी तरबियत करें। अब क्या हुआ कि लोगों की तरबियत ही नहीं की जाती, लोगों को अच्छी अच्छी बातें ही नहीं सिखाई जाती, और जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें कुछ दिन रखकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। मुझे काफ़ी अफसोस है इस बात का कि एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई। इस दरिंदगी की सज़ा उस सब इंस्पेक्टर को कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए कि जो लोगों के लिए इबरत बन जाए। आप देखिए कि सऊदी अरब, दुबई, कतर, इन कंट्रीज में रेप्स माइनर लेवल पर होते हैं, सबसे कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सज़ा कुरान के मुताबिक है, और कुरान में ऐसे लोगों की सज़ा यह है कि ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके इन पर इतने पत्थर मारे जाएं कि लोगों को इबरत हो जाए कि रेप करने की इतनी कड़ी सज़ा है। इसलिए कुरान ऐसी दलीलें बयान करता है कि जिससे मुआशरा सुधरे और लोगों को पता लगे कि कोई भी हम गलत काम करेंगे तो उसकी सज़ा हमें कितनी कड़ी मिलेगी।